जून की 5 तारीख सुबह हम लोग बार्सिलोना से फ्लाइट ली, 7:40 पे थी और 2.5 घंटे की थी। हम लोग पहुंच गए प्राग, एक छोटा सुंदर शहर है, खाली सा है एकदम। देखिए रोड पर भी कोई ज़्यादा शोर शराबा चहल पहल नहीं है, घर एक पुराने जैसे स्टाइल के जो पेंटिंग्स में बनाते हैं वैसे बने हुए हैं कुछ। रोड भी साफ हैं, लगता है वेकेशन के लिए अच्छा शहर है। आगे चल के बताते हैं आपको। प्राग की सड़कें हैं, पहले ये चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था 1993 से पहले, उसके बाद दो देश हो गए, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। यहाँ की सड़कें भी देखिए आप, जो अंदर की हैं, हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, जो अंदर हैं ये सारी सड़कें हैं, डिफरेंट हैं, सारी स्टोन और ब्रिक्स की हैं, तारकोल यहाँ यूज नहीं किया है। सड़कें वगैरह भी देखिए, पार्किंग वगैरह कहीं भी सारी की सारी नीचे डिफरेंट है, ब्रिक्स और स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन तारकोल वाली सड़कें जो होती हैं इंडिया वगैरह में वो नहीं है। लेनिन वॉल, कैन आई हैव वन मोर चाय लाते? यस। बोट के अंदर एंट्री कर गए हैं, ट्रेन कार एंड बोट ऑल अराउंड द सारी की सारी एक ही लाइन में। सो अभी तक तो कहीं पर बिल्डिंग्स डिफरेंट स्टाइल की नहीं मिली, सभी जगह स्क्वायर बिल्डिंग। सो इनका जो डिज़ाइन है जो बोट क्रूज था 2 घंटे का, रिवर क्रूज था एक्चुअली, ये वापस आ गए हम लोग और अब फिर वापस थोड़ी सी स्ट्रीट्स आपको दिखाएंगे। ऐसा स्ट्रीट मार्केट है, चेरीज ताजी लग रही हैं भाई यहाँ।
पुरानी किताबें भी लोगों ने रखी हुई हैं सेल करने के लिए। है ना मजेदार बात, आजकल लोग सब कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, किताबें भूल ही गए हैं। सो गाइस, कल हम लोग शाम को यहाँ प्राग पहुँचे बार्सिलोना से, और ये हम लोगों का ग्रीन गार्डन होटल है, यहाँ रुके। लेकिन सिटी काफ़ी साफ और पीसफुल सा है। प्राग का ये जो होटल है पुराने टाइम का बना हुआ है, लेकिन बड़ा फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, काफ़ी सिंपल एंड फ्रेंडली। सो ओल्ड स्टाइल का है लेकिन सुंदर है, क्लीन है। चैनल की तरफ से अगेन आपका स्वागत है। प्राग की जर्नी आज यहीं पर समाप्त होती है, और कल सुबह हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और कल की यात्रा ट्रेन से कर रहे हैं, प्लेन से नहीं, और यहां से ट्रेन सुबह 5:30 बजे वियना जाती है। 4 घंटे का रन है। उस ट्रेन में भी आपको आगे कुछ दिखाएंगे, लेकिन प्राग का ये सनसेट देखिए मेरे होटल के रूम से, कितना खूबसूरत है। और आपको आज दिन भर जो भी चर्चेज वगैरह और रोड्स वगैरह जो दिखाई, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा प्राग। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, काफ़ी फ्रेंडली हैं। सो अगली यात्रा पर फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।